भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कसा तंज। भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेला। जी आपको बता दें, भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब फिट हैं। उन्हें अक्सर व्हीलचेयर पर ही देखा जाता था। वहीं कांग्रेस के नरेंद्र सलूजा ने कहा, अभी तक इन्हें व्हीलचेयर पर ही देखा था, लेकिन आज इन्हें स्टेडियम पर हाथ आजमाते भी देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई। आपको बता दें, प्रज्ञा सिंह ठाकुर शक्ति नगर के बास्केटबॉल ग्राउंड पर पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। ग्राउंड पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करता देख प्रज्ञा जी उनके बीच पहुंच गईं और खुद भी खेलने लगी। वहीं नरेंद्र सलूजा ने कहा कि प्रज्ञा सिंह जी अभी तक यही पता था कि किसी चोट के कारण आप ठीक से चल नहीं पा रही हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। मध्य प्रदेश में स्कूलों की मनमानी तथा फीस में बढ़ोतरी को लेकर पालक संघ शिक्षा मंत्री से मिला। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की मनमानी तथा फीस नियामक कानून भले ही ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया है, फिर भी सरकार को अभिभावकों की जगह स्कूलों की चिंता है। पालक महासभा संघ के अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने बताया कि वे शिक्षा मंत्री से नो स्कूल नो फीस ऑनलाइन क्लास के नाम पर मनमानी रोक लगाने की मांग पर मंत्री जी से मिले। मंत्री जी और पालक संघ के बीच गर्मा गर्मी बहस भी हो गई। शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों से कहा कि मरना है तो मर जाओ, जो करना है कर जाओ, ज्यादा नेतागिरी मत करो। मंत्री जी ने लोगों से बातचीत की, रिकॉर्डिंग को भी बंद करने को कहा। आपको बता दें, पालक संघ के सदस्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने श्यामला स्थित उनके बंगले पर गए। परेशानी अभी कम हुई है, खत्म नहीं। कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल मध्य प्रदेश।